साथ में कहा गया कि अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना भी इसके तहत जरूरी होगा। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी और बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग की जाएगी। स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण करें और तबीयत खराब होने पर सूचित करने की भी आदेश दिए गए हैं। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम रखने की बात की गई है। तो वहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों का संपर्क एक दूसरे से कम हो सके। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों को नियमित निसंक्रमण और सफाई करने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता हो इस बात को भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था पर जोर देने की बात की गई। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसके बिना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति होगी, हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। एक तरीके से डब्बा बंद खाने की ही अनुमति दी जाएगी, अन्य प्रकार के खाने की डिलीवरी नहीं होगी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था की जाएगी। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने, पीपीई किट समेत अन्य वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों को कॉन्टैक्ट नंबर लेना अनिवार्य होगा। कोविड 19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हॉल के अंदर एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। फिल्म शुरू होने के पहले, मध्यांतर और समाप्त के समय मास्क पहनने संबंधित एक फिल्म दिखाई जाएगी। हिंदी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने को लेकर अनुमति होगी। हॉल के अंदर बैठते समय उचित शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, हाथ साफ करने और सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था भी होगी। सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करने की सलाह दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगा प्रवेश। टिकट खिड़की पर कतार में दूरी का पालन कराने के लिए जमीन पर मार्किंग होगी। दर्शकों को स्वास्थ्य का निजी निरीक्षण और तबीयत खराब होने पर सूचित करना होगा। अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग शो टाइम होंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। टिकट खिड़की सहित अन्य स्थानों का नियमित निसंक्रमण और सफाई होगी। टिकट खिड़कियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। माध्यांतर के बीच लोगों के अनावश्यक घूमने पर रोक होगी। दिन भर खुली रहेंगी टिकट खिड़की। भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था होगी। थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। मास्क लगाने सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सिर्फ डब्बा बंद खाने पीने की वस्तुओं की अनुमति ही होगी। हॉल के अंदर नहीं होगी खाने की डिलीवरी। खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्याप्त खिड़कियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कर्मचारियों के लिए मास्क, दस्ताने और पीपी किट होगी अनिवार्य। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सभी दर्शकों का कॉन्टैक्ट नंबर लेना भी अनिवार्य होगा। कोविड 19 से संबंधित गलत व्यवहारों से सख्ती से निपटा जाएगा। हॉल के एसी का पर राज्य सरकारी स्कूल खोलने के लिए अपना खुद का एसओपी तैयार करेंगी। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल आपात देखभाल और हाइजीन से जुड़ी टास्क टीम गठित करेंगे। छात्रों की सुरक्षा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए स्कूल खुद एसओपी तैयार कर सकते हैं। छात्रों के बैठने की व्यवस्था करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बच्चों के स्कूल आने जाने का वक्त अलग अलग होगा। सभी छात्रों, स्टाफ को हमेशा फेस कवर करना और मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य सरकारों के साथ साथ स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले अभिभावकों की जो सहमति है वो लेना जरूरी है। छात्रों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल पूर्णकालिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित। पोस्टमार्टम पहले ही सफदरजंग अस्पताल में हो चुका था, इसीलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप बिल्कुल गलत है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों और मीडिया का एक हिस्सा हाथरस मामले को जातीय रंग देने में लगा है, लिहाजा सीबीआई जांच जारी रखने की इजाजत दी जाए। यूपी सरकार ने कहा कि झूठे नैरेटिव के पर्दाफाश के लिए कोर्ट सीबीआई जांच की निगरानी करे। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि पीड़िता के परिवार को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। हमने जो कहा है, हमने कोर्ट में जाके कह रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में
उच्चतम न्यायालय में जाके खड़े होकर कहा है, एफिडेविट के माध्यम से कहा है कि आप सीबीआई मॉनिटर करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, एक सरकार की तरफ क्या छुपाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हमारे से आप ले लो, आप ही इंक्वायरी करो, आप ही मॉनिटर करो, और सेंट्रल एजेंसी